इस वक्त शिंजो अबे और प्रधानमंत्री मोदी साझा बयान देने के लिए आ चुके हैं। हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर दोनों देशों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण समझौते और करार हो सकते हैं, खासतौर पर बुलेट ट्रेन को लेकर सभी की निगाहें हैं। क्या बात हो रही है, 98,000 करोड़ की यह परियोजना है। जापान इसमें भारत की मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इसे एक अपनी महत्वाकांक्षी योजना की तरह ले रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने चुनाव के पहले से ही घोषणा पत्र में भी बुलेट ट्रेन का जिक्र किया गया था और चुनाव के बाद से ही ये इंतजार किया जा रहा था कि बुलेट ट्रेन पर क्या बड़ा कदम सामने आता है। और ये वही तस्वीर है, ये एक बड़ा कदम, जापान से ये तकनीक ली जा रही है। जापान पिछले लंबे समय से, कई सालों से कामयाबी के साथ बुलेट ट्रेन को अपने देश में चला रहा है और अब उसकी यही तकनीक हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगी। इससे पहले मेट्रो में भी, मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जापान ने अपनी मदद दी है और जापान की ये तकनीक अब तेज़ रफ्तार हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन में भी देखने को मिलेगी। और हमारे सहयोगी प्रणय यहाँ पर मौजूद है। प्रणय, इस वक्त क्या चल रहा है ये जानना चाहेंगे। प्रणय हैदराबाद हाउस में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। वी हैव द मेमोरेंडम कंसर्निंग द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान फॉर कोऑपरेशन ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। दिस विल बी साइंड ऑन द जापानीज साइड बाय हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड ऑन द इंडियन साइड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता, शुरुआत से ही कहा जा रहा था न्यूक्लियर मसलों पर यह समझौता, इस करार पर दोनों ही देशों के नेताओं ने सिग्नेचर किए हैं, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोनों ही देश न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल देशों की तरक्की के लिए किया जाए। और आप देख रहे हैं, ये भी एक ऐतिहासिक तस्वीर है, भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करती हुई, जहां कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और अब वक्त है साझा बयान का। मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑन हाई स्पीड रेल। This will be signed on the Japanese side by Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of India, and on the Indian side by Shri A.K. Mittal, Chairman, Railway Board. और अब भारत और जापान के बीच में एक और समझौते, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे थे, उस पर भी एक करार पर दस्तखत हो रहे हैं और दोनों ही देशों के प्रतिनिधि इस वक्त इस पर हस्ताक्षर करते हुए। इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल पर जो करार हुआ, उस पर खुद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हुए और दोनों ने ये करार एक दूसरे से साझा किए और अब इस वक्त दोनों देशों के प्रतिनिधि बुलेट ट्रेन पर करार के कागजात पर दस्तखत करते हुए। और इसके बाद आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे तैयार हैं साझा बयान के लिए। ये दिल्ली के हैदराबाद हाउस से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती में ये एक महत्वपूर्ण दिन, 3 दिन की यात्रा में ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यहाँ पर दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर करार हो रहा है। पहले न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल और उसके बाद अब बुलेट ट्रेन पर करार। We have the agreement between the government of the Republic of India and the government of Japan concerning the transfer of defense equipment and technology. This will be exchanged on the Japanese side by Mr. Kenji Hiramatsu, Ambassador of Japan to the Republic of India, and on the Indian side by Dr. S. Jaishankar, Foreign Secretary. युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स के ट्रांसफर को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौता इस वक्त भारत और जापान के बीच में हो रहा है और दोनों देशों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करते हुए। तो ये औपचारिकताएं थी, 3 महत्वपूर्ण समझौते। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू दिस जॉइंट प्रेस इंटरैक्शन। वी विल हैव स्टेटमेंट्स बाय द 2 प्राइम मिनिस्टर्स। आई विल फर्स्ट इनवाइट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
the Honorable Shri Narendra Modi to deliver his statement. Your Excellency, Prime Minister Abe, members of the media, I am delighted to welcome Prime Minister Abe to India. It is a great pleasure to host a personal friend and a great champion of India-Japan partnership. No partner has played such a decisive role in India's economic transformation as Japan. No friend will matter more in realizing India's economic dreams than Japan. And I cannot think of a strategic partnership that can exercise a more profound influence on shaping the course of Asia and our interlinked ocean regions more than ours. That is why we deeply value our special strategic and global partnership. It enjoys unmatched public goodwill and political consensus in India. It also comes with great public expectations and huge responsibilities for us. In the course of the past year, we have done much to live up to them. We have made enormous progress in economic cooperation, as also in our regional partnership and security cooperation. Prime Minister Abe has been prompt and positive on our economic proposals, many of which are now unique to India. Japanese private investments are also rising sharply. Today, we have scaled new summits in our shared journey. The memorandum we signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy. It is a shining symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership in the cause of peaceful and secure world. I know the significance of this decision for Japan, and I assure you that India deeply respects that decision and will honor our shared commitments. No less historic is our decision to introduce high-speed rail on the Mumbai-Ahmedabad sector through the Japan's Shinkansen, known for its speeds, reliability and safety. We greatly appreciate Prime Minister Abe's extraordinary package of approximately $12 billion and technical assistance on very easy terms for this project. This enterprise will launch a revolution in Indian railways and speed up India's journey into the future. It will become an engine of economic transformation in India. We also appreciate the sharp increase in Japanese bilateral assistance program and the strength of public and private Japanese commitment for the Make in India mission. In September 2014, in Tokyo, Prime Minister Abe spoke of $35 billion of Japanese finance and investments for India over 5 years. It was ambitious, but together, we are quickly turning it into reality. Our shared commitment
to combating climate change is equally strong. We are engaged in wide-ranging collaboration in clean energy and energy efficiency technologies that will also create solutions for the benefit of others in the world. The other agreements today reflect the depth and diversity of our cooperation. Today, we have also taken two more decisive steps in our security cooperation. The two agreements will deepen our defense relations and promote defense manufacturing in India. This builds on our decision to expand staff talks to all three wings of the armed forces and make Japan a partner in Malabar Naval Exercise. We have also advanced our regional partnership in the course of the year. We have raised the level of our trilateral dialogue with the United States and launched a new one with Australia. We'll work together in East Asia Summit to promote an inclusive, balanced, and open regional architecture and maritime security in the region. We stand strongly for ensuring freedom of navigation and overflight and maritime commerce. We believe that disputes must be resolved peacefully and that all countries must abide by international law and norms on maritime issues. I also appreciate Prime Minister Abe's support for India's membership of the APEC. We will also strive for our rightful peace and a reformed UN Security Council. Culture and people breathe life into our relationship. Our remarkable relationship also has a wonderful human touch. The Kyoto-Varanasi partnership is one of its strong symbols. Last year, Prime Minister Abe hosted me in Kyoto. Later today, I will show him the ancient heritage of Varanasi and our plans for its modern future. Finally, in recognition of our special relationship, India will extend visa on arrival to Japanese cities, including for business purpose from 1st March 2016. This is different from the electronic visa facility that is being extended globally. Excellency, in a world of intense international engagements, few visits are truly historic or change the course of our relationship. Your visit, Mr. Prime Minister, is one. As we work to realize the vision 2025 of India-Japan ties, we will advance the prosperity of our people and shape an Asian century in our vision and values. Thank you. Thanks a lot. May I now invite His Excellency Mr. Shinzo Abe, the Prime Minister of Japan, to make his statement. Namaskar. First of all, I would like to express my heartfelt condolence to the people whose life was sacrificed and render my most sincere sympathy to the victims of the torrential rain and flood in Chennai. From here today, new era of Japan and India begins. We had a historic summit meeting between Prime Minister Modi and I. We actually saw the dawn of a historic Modi 首相との首脳会談により、まさにその幕開けとなる
首脳会談を行うことができました。歴史的な首脳会談となったと考えています。私は常々日印関係は世界で最も可能性を秘めた二国間関係であると述べてきました。今回の訪問ではその可能性のつぼみを現実に開花させることができ、花を開かせ、そして花が咲き誇る関係へと新たな次元へと踏み出すことができると考えています。日本とインドは普遍的価値を共有する歴史的な友好国であります。その日印両国が地域の平和と繁栄のために緊密に協力をする、そのことは戦略的観点からも極めて重要であります。このような認識で私とモディ首相は完全に一致をしております。強いインドは日本のためになる、強い日本はインドのためになる。そしてモディ首相は強い意志と決断力、実行力ある指導者であります。モディ首相と協力してアジアや世界の平和と繁栄を牽引してまいります。このようなビジョンのもと、今般日印新時代の道しるべとなる共同声明をまとめることができました。心よりジャパン मजबूत होगा तो भारत के लिए अच्छा है, भारत मजबूत होगा तो जापान के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी और मेरी बातचीत जब हुई तो हमने एशिया की प्रॉस्पेरिटी पर बात की और दोनों देशों के संबंधों पर बात की। ये बात कही है शिंजो आबे साहब ने, जो अभी इस वक्त बोल रहे हैं। साझा बयान भारत और जापान की तरफ से आ रहा है। इसमें सबसे पहले चेन्नई में बाढ़ के दौरान मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया। दोनों देशों के रिश्तों में बुलेट ट्रेन एक बहुत अहम करार है जो अभी यहां पर हैदराबाद हाउस में थोड़ी देर पहले हुआ है।